नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी तरुण भानोट विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में सघन जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोट ने शहीद गुलाब सिंह वार्ड में मतदाताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जानकारी दी कि आगामी 9 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का पश्चिम विधानसभा में रोड शो होगा। पश्चिम विधानसभा के विकास के वायदे के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी तरुण भानोट लगातार मतदाताओं से जनसंपर्क कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोट और उनके समर्थक विधानसभा के प्रत्येक मतदाता के घर घर दस्तक देकर जन समर्थन जुटा रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोट ने पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शहीद गुलाब सिंह वार्ड सहित अन्य क्षेत्रों में मतदाताओं से मुलाकात की और मतदाताओं के बीच अपनी बातों को रखा। कांग्रेस प्रत्याशी ने विधानसभा क्षेत्र की जनता को जानकारी दी कि आगामी 9 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे और मतदाताओं से मुलाकात करेंगे। हम सबके वरिष्ठतम नेता और लोगों के चहेते राहुल गांधी जी जबलपुर आ रहे हैं और संस्कारधानी जबलपुर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता उत्साह के साथ उनके आने का इंतज़ार कर रही है और उनकी बातें भी सुनना चाहती है, उनसे मुलाकात भी करना चाहती है। जहाँ तक मुझे खबर है कि जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में त्रिपुरी चौक से उनका एक रोड शो शुरू होगा, जहाँ वो जनता का अभिवादन भी स्वीकार करेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे और उनकी बातों का उत्तर भी देंगे। आज शहीद गुलाब सिंह वार्ड में आज जनसंपर्क है सभी का। ये हमारा परिवार है जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, सबका स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और ये आदेश भी मिल रहा है कि अगले 5 साल के लिए तैयारी कीजिए, आपको जनसेवक के रूप में पुनः इस क्षेत्र की सेवा करना है। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोट ने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद स्थापित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत शहर की नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी और रूस की नोवो सिविक्स यूनिवर्सिटी के बीच MOU साइन किया गया, जिसके तहत रूस के विद्यार्थी शहर आकर यहां की शिक्षा प्रणाली के साथ शिक्षण विधा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। स्टूडेंट एंड फैकल्टी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत रूस के विद्यार्थी शहर में आकर भारत की शिक्षण प्रणाली के बारे में जानेंगे। दरअसल शहर के नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी और रूस की नोवो सिविक्स यूनिवर्सिटी के बीच MOU साइन किया गया था, जिसके तहत वेटनरी यूनिवर्सिटी से 4 विद्यार्थी और 3 प्रोफेसर रूस गए थे और रूस से 3 विद्यार्थी वेटनरी यूनिवर्सिटी आएंगे। एक MOU किया हुआ था, इसके तहत वो पहले गए थे रशिया, सर हमारे PC सर, और उसके बाद वहाँ पे हमारे यहाँ के बच्चों को बुलाया गया जो कि 10 तारीख या 9 तारीख को आ रहे हैं वापस, एक महीना रह के वहाँ पे। नोवोसिविक यूनिवर्सिटी से 3 स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि करीब 3 दिसंबर तक रहेंगे यहाँ पे। उसमें उनको ये बताया जाएगा कि हमारे यहाँ पे किस तरह से ग्रेजुएशन होता है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कैसा होता है, PhD में क्या होता है, और उनसे हम पूछेंगे। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारे 16-17 डिपार्टमेंट हैं, फिर हमारे डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, पिगरी है, बायोटेक्नोलॉजी सेंटर है, वाइल्ड लाइफ सेंटर है, उन सभी जगह उनको विजिट कराएंगे। वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स की फैकल्टी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो बैठ कर उनके साथ डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद ऐसा हम लोग निकालेंगे कुछ कॉमन, जो कि उनका भी इंटरेस्ट का हो, हमारे भी इंटरेस्ट का हो, उस कॉमन टॉपिक पे फिर आगे काम करेंगे रिसर्च का। इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरे देश की संस्कृति, पहनावा आदि चीज़ों को जानने का मौका मिलता है, लिहाजा वो बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। विधानसभा चुनाव के चलते रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 115 पदों पर जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बीच अधर में लटक गई है, जिसका खामियाजा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव के चलते रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 115 पदों पर जारी शिक्षक भर्ती अटक गई है। शिक्षकों के अभाव में विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
आलम यह है कि यहाँ लगभग 7 विभाग ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। हम आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लगभग 125 पद खाली पड़े हैं, जिसके विरुद्ध 70 बैकलॉग और 45 जनरल पदों पर शिक्षक भर्ती विज्ञापन निकाला गया था। विश्वविद्यालय के कुलसचिव का कहना है कि 2 चरणों में जारी पदों पर उम्मीदवारों का साक्षात्कार पूर्ण कर लिया गया है। जो विश्वविद्यालय ने हमारे यहाँ बैकलॉग के जितने पद थे उसके अगेंस्ट में हमने जो विज्ञापन जारी करा था और बाद में एक हमने संशोधित विज्ञापन जारी करा था, उसके अनुसार हमने साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, क्योंकि उसमें करीबन 4 या 5 याचिकाएं उच्च न्यायालय में लग गई थी, तो उनको दृष्टिगत रखते हुए हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी क्योंकि आचार संहिता लगी है, इसके बाद हम लोगों का भी शीघ्र प्रयास रहेगा कि विश्वविद्यालय को योग्य शिक्षक प्राप्त हो सके। आचार संहिता समाप्त होते ही विश्वविद्यालय प्रबंधन को शिक्षकों की नियुक्ति कर छात्रों के भविष्य पर मंडरा रहे खतरे को दूर करना चाहिए। संस्कारधानी में दीपावली पर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। रोशनी के इस पर्व के लिए बाजार सज गए हैं और अलग अलग कलर्स की झालरें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। त्योहारों पर अपने घर आंगन और मुख्य द्वार को रोशनी से सजाने लोग बाजार से अलग अलग प्रकार की झालरों की खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली पर्व को लेकर संस्कारधानी में तैयारियां तेज हो गई हैं। मार्केट में पर्व की रौनक दिखाई देने लगी है। खासतौर पर रोशनी के महापर्व दीपावली पर अपने घर आंगन को रोशनी से रोशन करने के लिए लोग उत्साहित हैं। ऐसे में मार्केट भी तरह तरह और अलग अलग रंगों की झालरों से सज गया है। लोग मार्केट में झालरों की खरीदारी करने पहुंचने लगे हैं। झालर लेने आए हैं हम लोग, घर में अपने टाँग सके वो कर सके। इस बार नया चीज़ यही देखने को मिला कि इस बार जो झालर जो पट्टे वाली जो सेंसर वाली जो झालरें आई हैं वो बहुत जो अजीब अच्छी झालर है, उसमें स्वास्थ्य वगैरह सभी बन जाता है अपना, उसको पट्टे को अपन लगाए तो बहुत अच्छा लगता है अपने घर पर। इस बार बाजार में अलग अलग रंगों और डिजाइनों में झालर लैंप उपलब्ध हैं, इनसे घर के किसी भी कोने को रोशन किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने फोर्स को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पुलिस परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल हुई। इसमें समस्त अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बलवा ड्रिल के माध्यम से समस्त कर्मचारियों अधिकारियों ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस विभाग कटिबद्ध है। ऐसे में हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। मंगलवार को SP आदित्य प्रताप सिंह की मौजूदगी में पुलिस परेड ग्राउंड में जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। पुलिस विभाग की इस बलवा ड्रिल का मकसद विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने की स्थिति में प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स को तैयार करना था। बलवा ड्रिल में जिले में पदस्थ समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। SP आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बलवा ड्रिल कराई गई, ताकि फोर्स हर स्थिति और चुनौती से निपटने तैयार रहे।
चाहे आपने अश्रुगोश चलाया है, केन चलाया, लाठी चलाया है, ये चलाते लाठी नहीं चलाता या गोली नहीं चलाता तो पब्लिक का जान माल का कितना नुकसान होता। आगामी चुनाव को देखते हुए बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया है, क्योंकि अभी 17 तारीख को चुनाव है, उसको देखते हुए पुलिस के सामने जो जो चैलेंजेस आ सकते हैं उसकी तैयारी करने के लिए आज बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया है। और सभी ये एक तरीके का अभ्यास है जो सभी अधिकारी कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। देखिए, इसमें हमारे सभी एडिशनल SP हैं, CSP हैं, TIs हैं शहर के, और साथ में करीब 200 का बल है जो इस प्रैक्टिस में शामिल है। बलवा ड्रिल में सभी नगर पुलिस अधीक्षक, समस्त थाना प्रभारी, स्टाफ सभी संसाधनों के साथ शामिल हुए। बलदेवबाग क्षेत्र में स्थित एक मकान में मंगलवार की सुबह गैस सिलेंडर में आग भड़क गई। इस हादसे से परिवारजन दहशत में आ गए। घटना की जानकारी लगते ही दमकल कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने अग्नि हादसे को काबू में किया, जिसके बाद परिवारजनों ने राहत की सांस ली। बलदेवबाग क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई। इस घटना से जहां हड़कंप मच गया तो वहीं परिवार के लोग भी दहशत में आ गए। तत्काल घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया। दमकल कर्मियों ने गैस सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई कि बल्लेबाग में आनंद सिंह जी के मकान में रसोई घर में आग लग गई है और गैस सिलेंडर की वजह से आग लगने की सूचना दी गई थी, तो तत्काल फायर ब्रिगेड से वाहन रवाना किया गया और मौके में पहुंचकर जो अग्नि दुर्घटना थी उसको काबू में लाया गया। और इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि या फिर भारी क्षति सामान की नहीं हुई। इस अग्नि हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि या क्षति नहीं हुई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।